अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं बैठी हुई थी तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं ईसा पे चिल्ला रही हूँ और ईसा कैसे रिएक्ट करता है। ईसा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ईसा नहीं सुन रहे? हाँ ईसा, सोने नहीं है तुम्हें, जल्दी सो। अभी दो तीन तमाचे पड़ेंगे ना, सही हो जाओगे तुम। फिर मुझे ऐसे मुंह बना बना के देखा, हंस क्यों रहा हूं? तो गाइस आपने देखा होगा कि मैं ईसा पे चिल्ला रही थी तो ईसा कैसा मुंह बना रहा था। ईसा को पता चल जाता है जब मैं उस पे चिल्लाती हूँ तो वो रोता है। और है ना, अभी आज तो सुबह मुझे बहुत परेशान भी कर रहा था, बार बार उठ रहा था तो मैं उस पे चिल्लाई तो वो है ना रो रहा था और अपने अब्बा के पास भाग रहा था और गिर रहा था अबू अबू। तो गाइस ईसा माशाल्लाह अभी अब्बू कहना भी सीख गया है, वो देख सकते हैं आप ईसा कैसे मस्ती कर रहा है। ईसा गाइस मैं कभी बताऊंगी फिर मैं चिल्लाऊंगी ना तो अभी फिर आप देखना। अभी तो मैं जा रही हूँ अपना फटाफट जल्दी से काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं चली गई थी छत पे और छत पे मेरे काम लग चुका है तो इसलिए मैं छत पे चली गई थी। तो मिस्त्री मतलब अभी गए हैं, खाना खाने गए हैं वो, और है ना उसके बाद फिर वो फिर से काम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जिस मैं बताऊंगी कि मेरे छत में ना मतलब दीवार में पानी बैठ रहा था और मैं बताऊंगी कि तो गाइस मैं आ चुकी हूँ छत पे और मैं दिखा रही हूँ कि ये काम लग चुका है। और इस कलर का नाम है एशियन का डैम प्रूफ नाम है, तो मैंने ये करवाया है क्योंकि इसे करवा लो तो अंदर पानी नहीं बैठता। और देख सकते हैं ये हो चुका है दीवार पे, ये अभी एक हाथ मारा है मिस्त्री ने और जो बाकी बचा है वो कल करेंगे। और पहले इसके अंदर ये जो दरारें होती हैं इसमें क्या भरा था, क्रैक सील भरी थी इसमें पहले, उसके बाद फिर ये कलर करा था। तो गाइस मैंने ये करवा लिया है और मुझे इससे मतलब फ़ायदा भी हुआ है, मेरे घर में पानी भी नहीं बैठ रहा और अच्छा भी है ये बहुत। और जिसको भी ज़रूरत हो तो ये ज़रूर करवाएं अपने घर में ताकि पानी नहीं बैठे। अभी किचन में और मैं इसको थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ और इसके अंदर ये प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन है और हरी लाल मिर्च है और हरी मिर्च भी है और थोड़ा सा मैं इसको हल्का हल्का से ऐसे फ्राई करके इसे थोड़ा गला लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी। और इसके अंदर मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है और फिर मैं इसको इसकी प्यूरी बना लूँगी। और ना तो मैं इसको हल्का हल्का से इसे फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने पनीर काट लिया है और मेरा ऑयल भी हो चुका है, पहले मैं पनीर को फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर। और गाइस पनीर किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स करके बताएं कि किस किस को पसंद है पनीर। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ नॉर्मली पसंद है। मैं इसको थोड़ा हल्का फ्राई कर दूँगी, थोड़ा ये लाल हो जाएगा तो फिर मैं इसे बाहर निकालूँगी।
अब मैं ईसा को देखती हूँ। ईसा तुम कहाँ हो? ईसा ईसा रो रहा है। ईसा ये कहाँ तलक आ गया? और गाइस मेरे इतने सारे बर्तन भी हो चुके हैं, फिर मैं पनीर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन भी धोना है। तो गाइस मैं पनीर को सेक लेती हूँ, फिर उसे बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। तो गाइस मेरा मसाला अभी भुन रहा है और आपने देख ही लिया होगा मैंने इसमें लाल मिर्च हल्दी डाली थी और थोड़े से धनिया भी डाले थे। पहले मैंने तेल के अंदर वो डाल दिए थे और है ना, फिर उसके बाद जो ग्रेवी बनाई थी वो डाल दी। तो अब मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी डी मार्ट और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सब कुछ आपको। और ये यहाँ मेरे हस्बैंड स्लीपर पहन रहे हैं और मैं ये दिखा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे एक आ गए थे पीछे से, मुझसे कह रहे थे मैम शॉर्ट्स तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं इससे आगे वीडियो नहीं बना पाई, छोटा ही वीडियो है मेरा डी मार्ट का। और गाइस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।